आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कि आखिर विश्व पर्यावरण दिवस होता क्या है, ये क्यों मनाया जाता है और इस साल की थीम क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य है लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों, कारखानों, घरों से निकलने वाले गंदे पानी और धुएं के कारण बनने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स आदि के कारण पेड़ों की कटाई, आवश्यकता से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, इन सभी कारणों से हमारे पर्यावरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, जिसके कारण नई नई बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। इसलिए अगर इन होने वाले खतरों को हमारे द्वारा कम नहीं किया गया तो पृथ्वी पर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, जो हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। इसीलिए लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए और पर्यावरण के साथ साथ पशु पक्षियों को भी सुरक्षित रखने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है और इस साल हम 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। इस दिवस को मनाने का एकमात्र उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इस दिन स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थलों पर अनेक प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्यूज, पोस्टर, निबंध, चित्रकला आदि अनेक प्रतियोगिताएं होती है, जिससे लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ सके, क्योंकि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है, जिससे हम सब मिलकर पर्यावरण को साफ सुथरा व सुरक्षित रख सकें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यावरण दिवस मनाने के उद्देश्य के बारे में। जैसे जैसे सभी देश आजकल आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दुनिया में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसी बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति पर खतरा बढ़ रहा है, जिसे रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई, ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए और प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से साल 1972 में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और चिंताओं की वजह से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी गई। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई। यहां दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 119 देश शामिल हुए थे। पहले पर्यावरण दिवस पर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की प्रकृति और पर्यावरण के प्रति चिंताओं को जाहिर किया था। Thus we see that when it comes to the depletion of natural resources and environmental pollution, इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नींव रखी गई थी और हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प लिया गया था। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम अलग अलग होती है और प्रत्येक थीम का एक अलग उद्देश्य होता है और अलग अलग देश हर साल विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करते हैं। इस साल का मेजबान देश है, इस साल 2023 की थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस थीम का उद्देश्य है प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए बेहतर कदम उठाना और पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाना, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण के साथ साथ जीव जंतुओं व मनुष्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके उपयोग से न केवल पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि नई अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती है और साथ ही प्लास्टिक से एयर पोल्यूशन व वाटर पोल्यूशन भी होता है। यह थीम पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्लास्टिक कचरे को कम करने, रिसाइकल करने या खत्म करने के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर देती है। इस थीम का उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता को बढ़ाना और उन कार्यों को बढ़ावा देना है जो प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने और कम करने में मदद कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पर्यावरण के प्रति सभी लोगों में जागरूकता को बढ़ाकर कैसे हम सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। अगर लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ जाएगी तो वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे एयर पोल्यूशन बढ़े, और जिन चीजों से एयर पोल्यूशन बढ़ता है उनका उपयोग भी वह लोग कम करेंगे, और वह लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि किन चीजों को जलाने से एयर पोल्यूशन होता है और किन चीजों को जलाने से नहीं। जब सभी लोग यह समझ जाएंगे कि पानी में रहने वाले जीव जंतुओं का जीवन वाटर पॉल्यूशन के कारण नष्ट हो रहा है और साथ ही पानी की गुणवत्ता में भी कमी आ रही है, तो वह लोग नदी, नालों, समुद्रों, इन सभी में कारखानों, उद्योगों, घरों से निकलने वाले गंदे पानी को इनमें नहीं छोड़ेंगे, जिससे वाटर पॉल्यूशन भी कम होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। यह हमारे पर्यावरण के साथ साथ धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए हानिकारक है, और जब सभी लोग यह समझने लग जाएंगे कि कैसे इससे हमें नुकसान हो रहा है, तो वह लोग प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, और अगर वह लोग इसका उपयोग करेंगे भी तो इसे इधर उधर फेंकने की बजाय किसी सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। अब हम बात करते हैं हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा क्यों करनी चाहिए। हमारा पर्यावरण वह है
जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को घर बनाता है। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो हम इंसानों के पास रहने की कोई जगह भी नहीं होगी, और अगर हम हमारे पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सभी वनों की कटाई हो जाएगी और सभी वन नष्ट हो जाएंगे, जिसमें ऐसे पेड़ भी शामिल हैं जो हमें जीवित रहने के लिए बुनियादी साधन प्रदान करते हैं, जैसे कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। अगर हम हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं और अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं तो पेड़ हमें सांस लेने के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान करेंगे, जिससे अस्थमा जैसी बीमारियों में कमी आएगी। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल शील टॉक्स को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।